दोस्तों iPad हमारे पास आ चुका है, कंपनी वाले कुछ मेहरबान हो चुके हैं ESR, तो इन्होंने एक केस और साथ में टेम्पर गार्ड हमें भेज दिया रिव्यू करने के लिए, तो इनके अनबॉक्सिंग और साथ में इसका रिव्यू भी हम करेंगे। सो हाय गाइस, मेरा विनय एंड वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। तो ये हमारा ESR का टेम्पर ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस के साथ में आता है और 9H टेक्नोलॉजी और सेटर रेजिस्टेंस के साथ में भी आता है। बॉक्स के ऊपर जो प्राइस है वो है 1399 और इसके अंदर आपको दो पीस मिलेंगे और ऑनलाइन इसके कम ही प्राइस में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको 6 मंथ की वारंटी मिल जाती है और 7 डेज की रिप्लेसमेंट आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाती है। अगर गलती से टूटा हुआ आता है तो आप रिप्लेस करवा सकते हो। और सेम केस हमारा इस टैबलेट के केस का भी है, इसमें भी आपको वारंटी मिल जाती है 6 मंथ की और रिप्लेसमेंट वगैरह सब कुछ। और इसका जो बॉक्स के ऊपर जो प्राइस है वो है 2199 और इससे कम ही प्राइस में मिलेगा, 1600 के आसपास, अप एंड डाउन होता रहता है। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो कलर के हिसाब से जो है ना प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। तो केस हमारे पास है ग्रे कलर में, हमें ये अच्छा लगा तो हमने मंगवा लिया, क्योंकि हमारा आईपैड भी है अपना सिल्वर कलर में। तो फिर हम रेडी हैं, पहले तो टेम्पर्ड गार्ड को बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा टेम्पर्ड गार्ड की पूरी किट, ये अलाइनर दे के रखा है और उसके बाद ये रहा बाकी का मटेरियल। तो ये सारे क्लीनर है और यहाँ पर गाइडलाइंस दे के रखे हैं, पैकिंग बढ़िया है, मतलब बबल रैप दे के रखा है, आई होप कि टूटे ना हो। तो ये हमारा फर्स्ट वन, ठीक है टूटा नहीं आया है, यही मैं भी चाहता था। और ये हमारा सेकेंड वन, तो ये वाला भी ठीक है। तो अभी एक को लगाते हैं, एक पाउच फाड़ना पड़ेगा, इसके अंदर आपको क्लीनिंग का सारा मटेरियल मिल जाएगा। यूजर गाइड्स तो हमने देख ली, अब फटाफट से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने आईपैड की स्क्रीन साफ करना पड़ेगी, कुछ हमने ज़्यादा यूज कर दिया तो ज़्यादा गंदी है, तो हमें एक्स्ट्रा स्प्रे की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे साफ कर लेते हैं। और बाकी ESR की खुद की किट यूज़ करते हैं। तो अभी स्क्रीन को एकदम से बड़े से हम चमका देते हैं एकदम, और साथ में ग्लव्स पहन लिए क्योंकि ऐसे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। इतने में गारंटी देता हूँ, अगर तुम खुद से प्यार से लगाओगे ना तो दुकानदार उतने अच्छे से नहीं लगाएगा जितना तुम खुद से लगाओगे। बस लगाना पड़ेगा तुम्हें प्यार से, गुस्से से लगाओगे तो काम नहीं होगा। तो स्क्रीन हमारी साफ हो चुकी है और अब डस्ट पार्टिकल थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है ये चिपकू। तो फिर बस इतना काम हमारा हो चुका है, अब बारी आती है अलाइनमेंट की। तो यहाँ पर इसको आपको फिट करना पड़ेगा। अभी मामला एकदम सेट हो चुका है, हमने अलाइनर भी लगा दिया है और अब बारी है अपने टेम्पर्ड गार्ड को ऊपर रखने की। अलाइनर का ये फायदा है, टेम्पर्ड गार्ड हमारा लग गया एकदम परफेक्ट। ये आप देख सकते हो, कोई बबल नहीं है, एक छोटू जैसा आया था जो कि क्लियर करना पड़ा, थोड़ी सी गलती थी। जब आप इसे लगाओगे ना, इसको रख दो आराम से और सेंटर से प्रेस करो और फिर आराम से लग जाएगा। इसको निकाल देते हैं और ये हमारा आईपैड रेडी हो चुका है। ये देखो बढ़िया चल रहा, और इस प्रोटेक्टर की क्वालिटी ना मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आईफोन में भी ESR का और एक स्पीगन ब्रांड है, इन दोनों का यूज़ करता हूँ, तो दोनों की क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। और दूसरा हमारा, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये आ गया है हमारा केस और इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है, और यहाँ पर छोटी सी अंदर की साइड ESR की ब्रांडिंग देखने को भी मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी है, मिनिमल सी, जहाँ तक मुझे ये लेदर का लग रहा है। और काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी है, मतलब पकड़ने में इतना स्मूथ है ना बढ़िया जैसा। इसको लगा के देखते हैं, इसको लगाना काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये देख रहे हो कैमरा की तरफ यहाँ पर इसको रखना है ऐसे, और ये मैग्नेटिक है तो ये ऑटोमेटिकली चिपक चुका है। तो ये देखो, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, पर चिपको आंदोलन इसका बढ़िया है, नहीं है बढ़िया, तो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा नहीं है। टेम्पर्ड गार्ड भी हमारे साथ में टेस्ट हो गया, ये टूटा नहीं, पर इसका जो ये चिपको आंदोलन है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, ये हमने लाइव चेक कर लिया। इसका मैग्नेट जो है ना, मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, मतलब आप देख लेना, थोड़ा केयरफुल यूज करना वरना 9-2-11 हो जाएगा। और ये केस हमारा एप्पल पेंसिल को सपोर्ट करता है, तो वो भी आप साथ में लगा सकते हो। सॉफ्ट हैं इसके मैग्नेट्स, उतना पावरफुल नहीं है, जैसे अटैच हो रहे हैं तो फील भी नहीं आ रहा कि अटैच हुआ है कुछ मैग्नेट से। और बाकी ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, पकड़ने में एकदम बढ़िया, मतलब एकदम प्रीमियम फील दे रहा है, ऐसे नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का है, क्वालिटी वाइज टॉप नॉच। इसको आप एज ए स्टैंड यूज़ भी कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह एंजॉय करनी हो तो आराम से आप इसके ऊपर लगा दो अपने आईपैड को और मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो देख लो इसके फाइनल लुक कुछ इस तरह का ये लगेगा, और आप दोनों साथ में लेते हो तो कॉम्बिनेशन तो काफ़ी बढ़िया है। ये टेम्पर्ड गार्ड भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, और इसका मैंने आपको बता दिया मैग्नेट्स का। और बाकी आप एकदम से पूरा बंद कर देते हो ना तो काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा जैसा आपका आईपैड ना हैवी हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो फिर ये है, साइड्स देख लो, मतलब थोड़ी ओपन रहेगी, तो उस मामले में थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है,
क्योंकि अगर कॉर्नर से गिरा ना तो पक्का स्क्रैच या डेंट जरूर आएगा। और बाकी फ्रंट साइड सेफ रखेगा और बैक साइड भी सेफ रखेगा, मतलब लेफ्ट राइट और जो बैक साइड है ना और अपर साइड, उसमें दिक्कत आ सकती है। और बाकी आपको पता है स्क्रीन को बचा लेगा और बैक को बचा लेगा ये। तो ये है कुछ ओवरऑल इसका डिज़ाइन। और यहाँ पर कैमरा के लिए बम्प दे के रखा है, ये बढ़िया बम्प है, मतलब कैमरा को उतना, मतलब आप सरफेस के ऊपर रखोगे तो टच नहीं करेगा इसका कैमरा। तो ओवरऑल मैं इसके केस को ना अगर मैं 5 में से रेटिंग देना चाहता हूँ तो मैं 3.5 दूंगा, और इसके टेम्पर्ड ग्लास को मैं 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा। ये केस काफ़ी ब्यूटीफुल है तो इसकी थोड़ी ब्यूटी और बढ़ा देते हैं, एप्पल स्टिकर हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो अब देखो भाई, अब कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, ये बन गया पूरा प्रोफेशनल हमारा एप्पल का आईपैड प्रो 2021। चलो गाइस अभी ओवरऑल आपको इसका रिव्यू बताता हूँ। देखो लुक वाइज तो प्रोफेशनल लग रहा है, एकदम बढ़िया क्लासिकल लुक दे रहा है और मुझे काफ़ी पसंद आया। जो क्वालिटी है ना इसकी वो काफ़ी बढ़िया है। और बाकी मैंने आपको बताया साइड्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और इसका जो टेम्पर्ड गार्ड है उसकी क्वालिटी रियली काफ़ी बढ़िया है, जो इसका प्राइस है वो जस्टिफाई करता है इसका टेम्पर्ड गार्ड। और बाकी आप देख लो ये रहा हमारे सामने। और एक बात तो है, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सच बताया है, मतलब आपके सामने जो कुछ रिव्यू है कंपनी ने फ्री में भेजा था, पर भेजा था रिव्यू के लिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।